दिन की 4000 गोली बनाते हैं। वाओ। ओ अच्छा, ये हमारे दरे की M4 है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब पंजाब ब्रिटिश टीवी। मैं थोड़ा दोस्त सनमीत सिंह। सो अज की जी वीडियो है वह बारे गल करते हैं, लेकिन उस तो पहले मैं तुम्हें यह दसना चाहना कि अब तो एक साल पहल आप दो वीडियोज़ अपलोड की सी, एक वाली जिदे जो थोड़ा दारा बाजार है वो गल की गई थी, तो पाकिस्तान जिते गन्स बहुत घट रेट से बनाई जा, एक पठान वैडिंग वाली सी। हालांकि ये थोड़ी यूट्यूब इन्हें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी 5 लाख तो ज़्यादा व्यूज़ हो गए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आज की वीडियो हैगी है हाउ गन्स आर मेड इन पाकिस्तान। वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखियो, प्रोसीजर देखते हैं कि किदा बनती हैं, क्योंकि लगभग उतने हर शॉप से इन्निया जबरदस्त गन्ना पई हैं। एंड जो मैं वो वीडियो देखी सी एक साल पहले, बिलीव मी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ठीक है, सो आज की जी वीडियो है वो आप देखते हैं बिना किसी देरी तो। लेकिन उस तो पहले तुम अपने चैनल में सबसक्राइब करना एंड इंस्टाग्राम भी चैक कर लियो। सो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देर तो, आ जाओ। सबसे महंगी गन कौन सी बनाते हैं आप लोग? सबसे महंगी जो होती है, दिन की 4000 गोली बनाते हैं। वाओ। ओ प्रभा। मैं खड़ी हूँ बैकग्राउंड में, मेरे कोहाट टनल का जो जो उसका एग्जिट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। और इस टनल के हवाले से खैर तारीख बहुत कुछ कहती है। पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी बहुत उरूज पर थी, दहशतगर्दी की रोज़ाना मुसलसल दर्जनों कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों की जानिब से होती थी, और मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दों के फ्रैक्शंस जो थे वो इधर बहुत एक्टिव थे। अच्छा। तब भी हमने इस इलाके का बहुत सफ़र किया है, और ये टनल इसलिए भी खसूसी अहमियत की हामिल है। यहाँ पर एक तो कारोबारी और तजारती नौयत के जो यहाँ पे ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा था, लाइट ट्रैफिक भी था, मगर इसको तालिबान ने एक वक्त में बिल्कुल चोक डाउन कर दिया था। और इन द नेम ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस भी यहाँ बहुत सी वारदातें हुई हैं, मगर इस टनल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर क्लियर किया। इसके अंदर बारूदी मवाद से भरी गाड़ियाँ खड़ी छोड़ गए थे तालिबान, उनको निकाला। पुलिस खासादार लेवीज जस्ट नेम इट, कौन सा सिक्योरिटी पर्सनल है जिसने शहादत का जाम नहीं नोश किया? सिक्योरिटी के लोग खैबर पुख्तनख्वा के पुलिस को, खासादारों को, लेवीज को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। उन लोगों ने इस जगह पर अमन व अमान लाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और ये ख़ास तौर पर वो जगह है कि जहाँ पर बाकायदा बहुत बर्बरीत का मुजाहरा करते हुए तालिबान के लोग अक्सर यहाँ पर जो अगवा बराए तवान की वारदातें भी करते थे, तो यहाँ पर अक्सर उनको उनके सर भी कलम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से अगवा करके उनको मारा भी गया है, गोलियाँ भी मारी गई हैं, बहुत चीज़ें थी, लाइक यू जस्ट नेम इट एंड इट वाज देयर। अब यहाँ से आगे कोहाट का इलाका शुरू हो जाता है, टनल से एंटर होते ही दरे का जो इलाका है जो कि सब डिवीजन कहलाता है, और फाटा के मर्जर के बाद से वो केपी के डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, वहाँ वो इलाका ख़त्म हो गया। यहाँ से आगे कोहाट का इलाका शुरू होता है एंड इट गोज टूवर्ड्स बन्नू एंड करक एंड सो ऑन। तो हम कोहाट आए और कोहाट टनल आपको ना दिखाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये इस वक्त एक पूरी गली है, आप जो मैंने आपको विजुअल्स में भी दिखाई है, और अभी हम जाएंगे फायरिंग रेंज की तरफ जो यहाँ असलहा बनता है उसका एक छोटा सा डेमो देखेंगे। और ये सारी गली में तमाम तर कारीगर होते हैं जो कि इस असलहा को बनाते हैं, जो आपने कुछ इंटरव्यूज भी देखे। अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फायरिंग रेंज। अच्छा, इतने कहते थे भी इन्हों जिस तरह का मर्जी कोई रशियन है या जिदा की मर्जी गन्स इन्हों एक बार बस दिखा दो तो ये हू बहू उदा का जरा बना देंगे असलहा। क्या टैलेंट भरिया हुआ काका जी। ये जगह जो है ये फायरिंग रेंज है जहाँ पे ये लोग मुख्तलिफ असलहा जो है वो उसको ट्राई करते हैं। पहले तो आप लोग एरियल किया करते थे ना? पहले वो बहुत हाँ खुले से करते थे, तो अब ये इसकी परमिशन नहीं है कि वो एरियल साइड पे किया जाए। नहीं नहीं, बस फर्स्ट ही इज गोइंग टू ट्राई। ओके, एक मिनट। आई थिंक परमिशन तो मेरे ख्याल इदा मार्केट चे बना के वेचन की भी नहीं है। मैनू कई ने कमेंट किए कि भाजी इलीगल है, लेकिन कई ने कमेंट किए कि यह लीगल है। ठीक है, थोड़ी जी वीड्डी स्क्रीन करके देखो ता जो तुहानू भी नज़ारा आए।
करें 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 एक आप क्या बात है भाई, ये कौन सी गन थी? ये 30 बोर में। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे सब एरियल फायरिंग है और ये वेपन टेस्ट हो रहा है। अब आप इसको मुझे फिल करके देना। पहले एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहले की डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखी होंगी उसमें एरियल फायरिंग्स हुआ करती थी और छतों पर जाकर, इसमें एक मुख्तलिफ चीज़ ये है फॉर अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि अब इन्होंने एक कॉर्नर ये बना दिया रेत वगैरह डाल के ताकि नुकसान ना पहुंचे, किसी किस्म का कोई मसला ना हो लोगों को, हवाई फायरिंग से कोई इशू ना हो। अब एक भाई ये भी है और तो इसीलिए ये टेस्ट फायर है। इसीलिए लोग पूछते हैं हमसे अक्सर कि पश्तूनों को गन्स से डर क्यों नहीं लगता, तो हम पश्तून जो हैं वो शुरू से ही असला के साथ पले बड़े होते हैं, इसलिए हमें डर नहीं लगता। ओ भाई एक मिनट, इहदे कुड़ी दी पकड़ नहीं सही बनी, उहदा हैंड उहदा मूव कर रहा सीगा, प्रोपर ग्रिप नहीं उहने कीता। और ये क्या है लोगों को बताएं? 223 है ना, 223। तो वैसे जो टेस्ट फायर रेंज में आप लोग लेके जाते हैं कितने फायर अमूमन करते हैं वो, तो अपनी तसल्ली के लिए 20-25 रैपिड में। हाँ रैपिड सिंगल दोनों ठीक, 30-20 दाने इस तरह। और सबसे महंगी गन कौन सी बनाते हैं आप लोग, सबसे महंगी जो होती है? सबसे महंगी गन है जो M4 है ना, उसकी कॉपी है। M4 की? हाँ M4 की। वाओ, वो तकरीबन 1,00,000 रुपए 1,20,000 ओरिजिनल। अभी क्या बना रहे हैं? ये भी M4 है। अच्छा, ये M4 है लेकिन ये दरे आता है, ये हमारे दरे की M4 है ना, दरे की अपनी पैदावार है। चले जबरदस्त माशाल्लाह। M4 में है जो 1,20,000 का बता रहा है। क्या कह रहे हैं? M4 है पर हाँ वो सिल्वर में है। अच्छा, एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये जो है ना, लोहे वाले। अच्छा, बाकी मॉडल दोनों है। तो मतलब इसमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है कॉपी में? कस्टमर सेटिस्फाइड जाते हैं, गारंटी के पूरे पाकिस्तान में से ना। ठीक है, वगैरह पे। अच्छा, यहीं से लेके जाते? यहीं से लेके जाते। तो उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई? नहीं, शिकायत बस नहीं, नहीं होती। जब चीज़ें सही बन जाए तो शॉकिंग रिएक्शन। ये चाचा है जो मैगजीन बना रहे हैं। चाचा ये इसके मतलब जेड़े लोग उतो खरीदते होने हैं वो उन्हां दा की हिसाब है, वो किस आईडी नाल खरीदते होने हैं, जां ये सारा कुछ ब्लैक मार्केट दे विच गिणिया जांदा है? आई एम कंफ्यूज। बारे में बताएं जरा, क्या कर रहे हैं अभी? ये वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ क्या कर रहे हैं अभी? ये अच्छा, सारे एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं, दिखाएं कैसे करते हैं। सारे सारी उम्र का एक्सपीरियंस है उन्होंने। यार ये वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि परफेक्शन नाल काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का काम है, पूरी डिटेलिंग एंड परफेक्शन। से बताइए तो अभी आपने किया, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा बताएं कि आप इन मैगजीन्स के ऊपर क्या करते हैं जब आपके पास ये आती हैं? वेल्डिंग कराता हूं। वेल्डिंग करते हैं? अच्छा, और इसको ये कारीगर साफ करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो या इसमें मैगजीन का आखिरी स्टेप यही होता है वेल्डिंग, इसके बाद पॉलिश वॉलिश होती है? पुख्तों की खबर है कवे काका? हाँ, बस चिकम अस्ता तो उस दे वक्त के दकार से पोजीशन दे कार ज्यादा राजी करना कम शब्द कार राजी
ਸਹੀ ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਮ ਰਾਜੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਮ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਮਰ ਮੁਦੋ ਸ਼ਤਾ ਸੁ ਦੇ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜਮਾਦਲ 52 ਸਾਲ 52 ਸਾਲ 52 ਇਅਰਸ ਗਾਇਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫॉर ਲਾਸਟ 52 ਇਅਰਸ ਅਵਸਤਾ ਸੁ ਕੋਰਨੋ ਹਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਕਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ जबरदस्त। तो ये सारा है जो हम इस वक्त दिखाने की कोशिश करें कि ये एक ऐसा कारोबार है कि इसके साथ इनकी नस्लें जुड़ी हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये कोई एक दो दुकानों का मामला नहीं है, ये पूरा बिजनेस है। फिर इलीगल तो नहीं है, मैं तो लीगल ही लग रहा है, जिकर इन्हें टाइम तो कम चल रहा था। कैसे हैं, ठीक है? आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। AK-47 की बुलेट बना रहे हैं। ये AK-47 की बुलेट है? जी जी। अच्छा, और कितनी बना रहे हैं अभी? कोई ऑर्डर है या बस बना के रखते हैं? बस बना के देते और फिर लोग आते हैं ना इधर से खरीदते। हाँ, तो कितने टाइम में बन जाती है? क्या हिसाब किताब इसका क्या होता है? मैगजीन्स या दिन का तकरीबन 4000 गोली बनाते हैं। दिन की 4000 गोली बनाते हैं? वाओ, ओहो प्रभा, दिन दियाँ 4000 गोलियाँ। एडमीन के हो, इन्हों की सेल ही बहुत ज़्यादा है। एडमीन, क्या बात है भाई। पर लेकिन वीडियोस बहुत घट है इस टॉपिक पे यूट्यूब पे। जेकर कोई होर तो इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है जिद वक्रा हो इस वीडियो नो मैं भेजो जरूर। तो क्या कोई खुफिया फरिश्ते रखे हुए इतनी ज्यादा बनाने के लिए कि खुद ही बनाते हैं? हमारा पूरी पसंद करते हैं, उसको ओरिजिनल की तरह गारंटी पे देते हैं ना। क्या खासियत है इसमें? इसमें खासियत ये है कि इंग्लिश सामान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और गारंटी पे देते हैं। अच्छा, इंग्लिश के साथ चलाओ तो इंशाल्लाह। इस वजह से लोग ज्यादा पसंद करते हैं। सही है, ठीक है। तो ये सब एक ही तरह की आपके पास पड़ी है? और भी कलर है लेकिन एक एक ही है ना ये सारी? ठीक है। और ये खोल क्यों रखे हैं? ये इसको भरवार है ना? इसको भरवार है ये मशीन है जिसमें ये बनाते हैं। और 4000 बुलेट्स पर डे इस तरह बनाते हैं। ये खाली खोल है, ठीक है, इसमें इसको रख देते हैं और ये इसका जो है सिक है ये उस ऊपर रख देते हैं और इसको पूरी बन गई। दिस इज द वे दे मेक अ बुलेट एंड दे प्रिपेयर 4000 बुलेट्स पर डे। इट्स अ ह्यूज नंबर। बड़ी जल्दी बन गया यार। ये इसके क्या बोलते हैं आप लोग इसको? सिक्का। अच्छा, इधर जो बारूद भरे हैं और ये खोल है। आपने इस सारे व्लॉग में एक चीज नोट की होगी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि फैमिली वाइज यहाँ पर लोग जो हैं वो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं। और ये इसकी पैकिंग है, 50 बुलेट्स कहते हैं पर पैक होती है। ये AK-47 की 20 प्राइस की है। ये AK-47 की 20 बुलेट्स है। और इसमें कितनी है? ये 50 है, ये 30 बोरे। ये 50 बुलेट्स का पैक है, 30 बोर का। इस शॉप में जो स्पेशलिटी आपने पिछली जगहों पे देखा होगा, वहाँ गन्स थी, पिस्टल्स थी, सारा कुछ। इस शॉप में ये बुलेट्स बनती हैं और स्पेसिफिकली दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज बुलेट्स ऑफ AK-47 4000 बुलेट्स पर डे। दिस अमेजेस मी। और ये मुख्तलिफ डिजाइन मुख्तलिफ कलर्स में लोग इन बुलेट्स को प्रिपेयर करते हैं। डिजाइन है और ये रशियन इस तरह बोलते हैं। दिस इज रशियन डिजाइन, दिस इज कॉल्ड रशियन डिजाइन और एंड दिस इज कॉल्ड चाइनीज डिजाइन। तो ये तीनों भाई हैं माशाल्लाह। ये आप लोग पता नहीं वो देखन ची लगी कि वो चाइनीज, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो देखन ची लगी कि चाइनीज है। इसमें कितने अरसे से हैं? पहले फादर के पास थे? हाँ। अच्छा, पहले ये काम हाँ 1975 से। वाओ, आप तीनों होते हैं। कितना पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? FSC की भी है। गुड, वेरी गुड। आप भाई क्यों शर्मा रहे हैं आप? कितना पढ़ा आपने, कितनी पढ़ाई की है? वेरी गुड। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू रजिस्टर। दीज गाइज आर नॉट जस्ट इन टू बिजनेस, इनके साथ में स्टडीज भी हैं, ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अपना फैमिली बिजनेस जो है उसको भी इन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया। पाकिस्तान के यूथ के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन ये आपके सामने ही है ना। इनको किसी ने सिखा के यहाँ बिठाया है ना पढ़ा के बिठाया है। ये वो बोल रहे हैं जो ये हकीकत में अपनी ज़िंदगी में है और ये इस बिज़नेस में है जो कि वेपन्स का बिज़नेस है।
और ये वो बिजनेस है कि जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत वक्त में पाकिस्तान की शनाख्त भी रहा है, लेकिन वंस अगेन द प्रोपेगेंडा ब्रिंग्स दिस बिजनेस डाउन टू सम एक्सटेंट। लेकिन हुकूमत से हमारी उम्मीद भी है और डिमांड भी है कि दे शुड गार्ड एंड दे शुड अम्ब्रेला दिस बिजनेस, ताकि ये बच्चे आगे जाके अपनी फैमिलीज को इसी तरीके से प्रॉस्परस देख सकें और अपनी नस्लों। आई हैव दिस सेम डिज़ाइन इन माई हाउस, मैं इतने अटैच कर रहा तुम देखियो, बट मेरे को बई ऑफकोर्स वो शो पीस है, लेकिन आई थिंक ये जी है ओरिजिनल होएगी, है ना। सो गाइज इस वीडियो बहुत मज़ेदार से बई मज़ा आया, जिस तरह इन्होंने एंड तक गल की ना कि हुकूमत ने दरखास्त है कि सानू गार्ड मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए उत्थे, आई थिंक इट्स अलीगल एंड हो सकता ये परमिट्स मिलते हो टेंडर निकलते हो, टेंडर मिलता होवे कोई ईजी प्रोसैस नहीं होगा जेकर तुसी उत्थे कोई शॉप खोलनी है तो एक अच्छा खासा इहदा प्रोसैस होएगा, एंड आई थिंक खरीदन का भी प्रोसैस मतलब एक सिक्योरिटी नाल होएगा, एंड जिस ढंग नाल उत्थे इदा मार्केट है पता नहीं किन्नियां सारियां दुकानां, तो वाकई उत्थे सिक्योरिटी तो चाहिए है क्योंकि रिस्की काम है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई डाका भी पै सकता है, जां कोई मिस हैपनिंग इदां दी ना होवे, आई थिंक उहदे लई कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आ वो मस्ट होने चाहिए है, क्योंकि जिस ढंग नाल इस वीडियो दे विच दस्या गया कि उत्थे जो भी असला बनता वेचिया जाता है तो यह मैनू लग रहा कि यह लीगल ही है, एंड लोग खरीदते हैं जाके, एंड जिस तरह फैमिली मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी उत्थे लोग काम कर रहे हैं, तो आई थिंक यह जिहड़ा हैगा एक वधिया बिजनेस है उन्होंने लिए। सो गाइज जाने तो पहले तुसी अपना चैनल ये सबसक्राइब जरूर करो, इतने तुहानू बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलनी है, तो अपना इंस्टाग्राम ये भी तुसी चैक कर सकते हैं, इतने भी तुहानू जो अपडेट्स आ मिलते रहेंगे। जिहड़ा अपना दूजा चैनल है पंजाबी टीवी एक्सट्रा, उत्थे आपां ड्रामास रिएक्शनस करते हैं, लेकिन कल उत्थे चार वीडियोज़ नू हटा दिता गया यूट्यूब तो, ग्रीन टीवी दी वीडियो सी, असी ग्रीन टीवी ते लगातार रिएक्शनस कर रहे सी, वो कोई उन्हां वल्लों कोई इशू नहीं आ रहा सी कॉपीराइट दा, लेकिन सडनली उन्होंने जिहड़ियां चार वीडियोज़ डाउन करतीआं एंड दे गेव अस अ स्ट्राइक। ठीक है, आई डोंट नो कि यार जदों असीं प्रमोशन कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं एंड एडा वड्डा प्लेटफॉर्म है, दैन फिर भी पता नहीं किस भावना नाल वो स्ट्राइक्स दिंदे है, आई डोंट नो अबाउट दैट कि उन्होंने मन च की है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यह नहीं होना चाहिए बिकॉज असी कोई पैसा नहीं लेंदे रिएक्शन करन दा, नहीं तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल है दे चार्ज्ड वेरी वेल प्राइस। ठीक है, लेकिन असी रिएक्शनस दे कोई पैसे नहीं लेंदे, असी तुहाडी डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन लोकी लेकिन कंपनीज फिर भी उस चीज़ नू आई डोंट नो कि क्यों नहीं अलाउ करदी हैं। सो एनीवेज अज दी वीडियो दे विच काफ़ी कुछ सीखन नू सीगा, मतलब मज़ा आया मैनू देख के, सीखन नू ए सीगा कि जो ये चीज़ें ये है तो चलो हाई रिस्क ही है, मतलब एक नॉर्मल परिवारों लिए, लेकिन जिदा वो कह रहे कि पेशावर दे विच पठाना दे लिए एक आम गल है कि वो शुरू तो ही इन दे विच पले वड्डे होए है, तो लेकिन सिख कौम भी एक इदा की कौम है कि एंड इधर लाइसेंसड हथियार यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, साढ़े पंजाब नू गन कल्चर वाला बनाया जरूर गया, गाणियां दे विच प्रमोट किया, लेकिन ये पहले नंबर या दूजे नंबर या तीजे नंबर पर नहीं है, पंजाब का नंबर इंडिया के बहुत पिछे है अजे, क्योंकि पंजाब के जिन्ना को हथियार है वह सैल्फ डिफेंस लिए रखते हैं। ठीक है, एंड सब को होंगे सारिया फैमिलीज को जो गन्स है ज पिस्टल है रिवॉल्वर है होंगे सब को होंगे, लेकिन जिस लैवल इतने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कैंट है बी काम सही है। सो एनीवेज ए सी आई दीडियो हूँ वीडियो के बंदा सारिया गल नहीं कर सकता, मैं जिम्मे थोड़ा अगर भी दसिया कि मेरे को दसन बहुत कुछ है, लेकिन यूट्यूब का जो लोगोरिथम आ वो इस चीज़ा अलाउ नहीं करता ज़्यादा, दैट्स वाई थोड़ा लिमिट के ही ये बारे गल करा। सो इसी अभी वीडियो तुम्हें कदम लगी नीचे कमेंट करके जरूर दस, जाने तो पहले चैनल को करो सबसक्राइब, तो मैं मिलता तुम्हें किसी और वीडियो, सत श्री अकाल।